तो अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो होता है स्मूथ सरफेस के ऊपर। स्मूथ सरफेस का मतलब जैसे आपका प्लेन मिरर है या कैसा भी मिरर है, आपका पॉलिश सरफेस है कोई, वहाँ पे आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जिसमें हमें इमेजेस नज़र आती हैं, ऑल राइट। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो इरेगुलर सरफेस पे होता है जो कि स्मूथ नहीं होता है। जैसे आपका जो मिरर होगा उसके ऊपर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन जो आपकी टेबल है उसके ऊपर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ऑल राइट। तो स्मूथ सरफेस पे जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ से इमेज फॉर्म होती है, ऑल राइट। जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो इमेज फॉर्म करता है। तो जो भी हमें इमेजेस नज़र आती हैं मिरर के अंदर, या आपका स्टिल वाटर है रुका हुआ पानी उसमें आपको नज़र आती है, या किसी भी जगह पर अगर आपको अपनी इमेज नज़र आ रही है तो इसका मतलब वहाँ पर कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी आपको इमेज नज़र आ रही है, ऑलराइट। अच्छा, एक और खास बात होती है इसमें कि ये जो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेजेस होती हैं वो एक सर्टेन डायरेक्शन से ही देखी जा सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई मिरर रखा हुआ है और आप उसमें अपनी शक्ल देखेंगे तो सामने से देख सकते हैं, फिर आप थोड़ा सा अगर दाएँ बाएँ होंगे तो कुछ देर के बाद, कुछ दूरी के बाद आपको अपनी शक्ल दिखना उसमें बंद हो जाएगी, ऑल राइट। तो इसका एक व्यू पॉइंट होता है जहां से उसको हम देख सकते हैं, उसके अंदर इमेज को देखा जा सकता है, हर जगह से इमेज आपको नजर नहीं आती है, ठीक है। ये आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सर्फेस पे होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक चीज और इसमें, सॉरी, रेगुलर में एक चीज और है कि अगर कभी भी कोई पैरेलल लाइट बीम आएगी, देखिए दो पैरेलल रेज आ रही हैं और यहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये स्मूथ सर्फेस पे, अगर आपका प्लेन स्मूथ सर्फेस है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल ही रहेंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी इमेज आएगी वो आपको नजर आएगी, क्योंकि जो पैरेलल लाइट बीम थी बिफोर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो पैरेलल ही रहती है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है, इसमें अगर कोई लाइट बीम आएगी, पैरेलल लाइट सपोज आ रही है, ये एक पैरेलल बीम आकर के इरेगुलर सरफेस पर जा रही है, तो कोई रे आपकी इधर चली जाएगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, कोई इस तरफ जाएगी, कोई इस तरफ जाएगी, कोई इधर जाएगी, मतलब ये सब अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएंगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं रहेंगे। देखिए ये रे आई, इससे ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रही है, और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रही है। तो तीनों रेज जो कि सपोज दिस वॉज ए, दिस वॉज बी, दिस वॉज सी, ए बी सी, अब ए इधर चली गई, बी इधर चली गई और सी इधर चली गई, तो ए बी सी आफ्टर रिफ्लेक्शन आर नॉट पैरेलल। जबकि इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस, दिस ए दिस बी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर स्टिल पैरेलल टू ईच अदर, ऑल राइट। तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उसमें लाइट रेज जो होंगी वो अगर पहले अगर इंसिडेंट से पहले पैरेलल थी तो इंसिडेंट के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तब भी वो पैरेलल ही रहेंगी, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हर डायरेक्शन में फैल जाती हैं। और इसी वजह से जो आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसी की वजह से वी आर एबल टू हम अपने आसपास जो चीज़ों को देख पाते हैं वो देख पाते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। सपोज आपके पास कोई अगर चेयर रखी हुई है तो चेयर के ऊपर जो लाइट आकर के रिफ्लेक्ट हो रही है वो हर डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर वो हर डायरेक्शन में जा रही है तो आपकी आंखों पे भी आके स्ट्राइक करेगी, और जब वो आपकी आंखों पे आकर के स्ट्राइक, आपकी आंखों पे इंसिडेंट करेगी तो आपको वो चीज़, वो चेयर जो है वो नजर आएगी इस तरह से। तो जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उससे हमें अपने आसपास की सारी चीज़ें नजर आती हैं, ऑलराइट। और जो हमें इमेजेस नज़र आती हैं मिरर के अंदर वो हमें नज़र आती हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये दो तरह के रिफ्लेक्शन है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सरफेस पे होता है जिसमें आपको इमेज नज़र आती है मिरर के अंदर, ऑल राइट। और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि इरेगुलर सरफेस पे होता है, जो कि स्मूथ सरफेस नहीं होते हैं, खुरदुरे सरफेस, रफ सरफेस होते हैं, ऑल राइट। रफ सरफेस जो होते हैं उनके ऊपर आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और इसकी वजह से जो इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, वो हर डायरेक्शन में जाती है, और हर डायरेक्शन में जाती है तो वो आपकी आंखों पे भी आएगी और आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। तो जो हम चीज़ों को देख सकते हैं अपने आसपास की, वो हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की ही वजह से देख सकते हैं।